और मुल्क के माशी अशारिये मुस्बत हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में गुज़श्ता 3 साल में बेहतरी आई। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। फिरदौस आशिक आवान की महंगाई से परेशान आवाम को तसल्लियाँ। 2020 के बाद गर्दिशी कर्जों के खात्मे का दावा भी कर दिया। कहती हैं चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ना है। हुकूमत ने इस्लाहात का मुश्किल मरहला तय कर लिया है। ये मौजूदा जो तमाम मईशत के मुस्बत इंडिकेटर्स हैं और इंशाल्लाह वो सस्टेन करेंगे। बैरूने मुल्क सरमायाकारी की जो शरत है उसमें 3 साल के बाद मुस्बत तब्दीली देखने में आई है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल से निकल के एक स्मूथ सिमत की तरफ चल पड़ी है। कैबिनेट को बताया गया कि 2020 के बाद कर्जों का जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका हम खात्मा कर देंगे और चैलेंजेस आते हैं कौमों की जिंदगी में, लेकिन हमारा ये इम्तिहान है इस हुकूमत का और कैबिनेट का कि वो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलती है।